This woman is being hailed as Goddess Narmada Mata after a video of her apparently walking on waters of Narmada River went viral. As she emerged from the waters, people began approaching her, seeking her blessings. Soon, the crowd swelled into thousands, and police had to step in to restore order. Except, the woman in question is no self-proclaimed God woman. अच्छा क्या है अम्मा ये सब बोल रहे हैं क्या पानी में चलती हो चमत्कार करती क्या ये सही है नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं मैं तो ऐसे थोड़े बहुत पानी में चल लेते हैं ऐसे घुटने से थोड़ा बहुत रास्ता नहीं है निकलने के लिए चल लेते हैं ऐसा कोई चमत्कार नहीं है नहीं ऐसा कुछ नहीं सब ये बोल रहे हैं कि आप नहाती हो तो कपड़े गीले नहीं होते हैं ये सब सही है थोड़े बहुत देर 20-20 मिनट रहते हैं हाँ तो भाई पूजन करती हूँ जब तक सूख जाते हैं हाँ बाकी ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कोई चमत्कार नहीं है नहीं चमत्कार कुछ However, the people who have gathered here believe she has divine powers. आज मैं घर पे था तो मेरे को सूचना प्राप्त हुई कि नर्मदा जी में कोई माता जी बुजुर्ग हैं जो पानी में चल के आ रही हैं तो मैं वही यहाँ देखने आया हूँ यहाँ हजारों की जनता तिलवारा घाट में इकट्ठी हुई है सुना है सवेरे से कि नर्मदा मैया आ रही है यहाँ द वुमन इन क्वेश्चन आइडेंटिफाइड एज ज्योति रघुवंशी रिवील्ड टू द पुलिस दैट शी वॉज अ रेजिडेंट ऑफ नर्मदापुरम एंड हैड लेफ्ट होम 10 months ago without informing anyone for a parikrama or pilgrimage tour of River Narmada. The police reached out to her family to get her reunited with them. कोई सिद्धि नहीं है कुछ नहीं है बेटा मेरे है ना आप नॉर्मल परिक्रमा करने निकली हो केवल मेरी श्रद्धा से कि मैं वैसे कर लूँ एक बार परिक्रमा कभी तीर्थ मंदिर नहीं गए थे तो हमने कहा एक बार परिक्रमा कर लें फुर्सत में है तो पैदल चल चलते घर में भी कोई काम नहीं सुबह सुबह ऐसा एक लोगों को फैलाया गया कि कुछ चमत्कारी बातें हैं तो स्वाभाविक रूप से लोग श्रद्धा भक्ति में दर्शन के लिए उमड़े तो ग्वारी घाट में एक मंदिर है वहाँ पर जिनके बारे में बताया गया था उनके दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे वो नर्मदा परिक्रमा पे निकली थी वो महिला और अब वो महिला आगे बढ़ गई हैं भीड़ भी चली गई The woman's family had lodged an FIR for missing person when she left home. The family also claims that the woman is mentally unwell. A Times Online Report.